स्टूडेंट, तो आज हम लेकर के आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें कि हम जो हमारा चल रहा था फंक्शनल एनालिसिस का ही एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, अगर जिनके पास बुक्स होंगी उनमें क्या है, ये जो हमारा टॉपिक है वो दे रखा होगा कॉम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशन करके। ठीक है, तो आप ये टॉपिक देख लेना, इस नाम से दे रखा होगा। जैसे कि इसमें दे रखा है कॉम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशन, तो इसमें क्या है, दो लेमा दे रखी होंगी, यानी कि जो हमारे दो थ्योरम दे रखी होंगी इसके अंदर, वो क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमारे एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो उनमें से क्या है, पहले मैं आपको क्या है यहाँ पर कॉम्पैक्टनेस या कॉम्पैक्ट सेट सबसेट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन बताऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उनमें क्या ये दोनों थ्योरम होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि वो थ्योरम कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन को, कॉम्पैक्टनेस। तो इसकी डेफिनेशन ये कॉम्पैक्टनेस की नहीं है, ये खाली हमें काई की डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट सबसेट की। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ये एक जगह और आई हुई है, ये आई थी नॉर्म्ड स्पेस या बना के स्पेस में, ये इस आई थी और मैंने लिखवाया भी था वहाँ पर, अगर आपने वहाँ देख ली होगी तो यहाँ जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ मैट्रिक स्पेस एक्स, हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस एक्स है, वो क्या है, इस सेट टू बी कॉम्पैक्ट, वो कॉम्पैक्ट होगा, वो कॉम्पैक्ट होगा, यानी कॉम्पैक्ट ये है कि वो कॉम्पैक्ट होगा इफ़, तब होगा कि इफ़ एवरी सिक्वेंस इन एक्स, अगर कोई भी सिक्वेंस हो वो किस में हो, एक्स के अंदर हो, एवरी सिक्वेंस, ठीक है, एवरी सिक्वेंसी ध्यान रखना इन एक्स के अंदर हैज़ क्या हो, वो कर्वेजेंट रखता हो क्या सब सिक्वेंसी, मैंने वहाँ पर भी बताया था। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, खाली अगर कोई मैट्रिक्स है एक्स, वो इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट कब, तब होगी जब उसका जो एवरी सिक्वेंस है इन एक्स के अंदर वो क्या होगा, कन्वर्जेंट सब सिक्वेंस रखेगा। ठीक है, अब जो है डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, आज सबसेट ये जो एक्स है इसका क्या ले लेंगे, अब सबसेट ले लेंगे, आज सबसेट एम, कोई हमने सबसेट ले लिया कैपिटल एम ऑफ एक्स का, इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, ये तब कॉम्पैक्ट होगा, सही है, ये तब कॉम्पैक्ट होगा इफ, जब क्या हमारा m जो हो, यानी कि जो सबसेट हो वो क्या हो, कॉम्पैक्ट हो, सही है, जब m क्या हो हमारा, कॉम्पैक्ट हो, तो कंसीडर्ड एज आ सब स्पेस ऑफ x, तो हम इसे क्या कंसीडर कर लेंगे सब स्पेस ऑफ x की, x का क्या है, सब स्पेस है, तो इससे क्या होगा, इफ एवरी सिक्वेंस इन m, जो जितने भी सिक्वेंस होंगे हमारे किसके, m के अंदर, क्योंकि m क्या है, सबसेट है किसका, x का, तो m के अंदर जितने भी जो हमारे सबसिक्वेंस होंगे, वो सॉरी सिक्वेंस होंगे वो क्या रखेंगे, कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, यही आया था ऊपर भी, तो यहाँ पर भी यही आया कि m क्या, m के अंदर जो भी हमारे जितने भी एवरी सिक्वेंस होंगे वो क्या होंगे, m के अंदर हैज़ रखेंगे, क्या रखेंगे, कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस। ठीक है, और जिनकी लिमिट, हुज लिमिट इज n एलिमेंट ऑफ m, जिनकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, m होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, कॉम्पैक्ट क्या बोलेंगे, जब क्या हो, कोई भी हमारा एवरी सिक्वेंस हो इन x के अंदर, वो क्या हो, कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस रखेगा, तो उसी क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट। अगर हम क्या है, कोई भी सबसेट ले लेंगे m, जो कि किसका होगा, x का, तो जो m होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, सही है, इस सेट टू भी तब कॉम्पैक्ट होगा जब जो ये m के अंदर जितने भी हमारे क्या होंगे, सबसिक्वेंस होंगे, नहीं, जितने भी हमारे सिक्वेंस होंगे वो क्या रखें, हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस, तो और वो भी उसकी लिमिट क्या हो, एम हो, सही है, एज एन लिमिट, सही है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो मैंने पूरी तरीके से बता दी है। ठीक है, अगर नहीं आपको जहाँ पर समझ में ना आए वहाँ पर आप कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब क्या है ये, इसके इंपॉर्टेंट थ्योरम ये क्या है, इसके बाद इस पर ही वीडियो आने वाली है, तो मैंने पहले यही लिख दी है, एक और इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आ कॉम्पैक्ट सबसेट m, हमारे पास कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है m ऑफ आ मैट्रिक स्पेस, किसी भी मैट्रिक स्पेस का, इज वो क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, वो क्या होगा हमारा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कोई भी कॉम्पैक्ट सबसेट है m का, वो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक स्पेस का कोई कॉम्पैक्ट सबसेट m है, वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है एंड बाउंडेड होता है, तो एक बार हम उसको क्लोज दिखाएंगे और एक बार बाउंडेड, तो ये थ्योरम है। इस पर क्या, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी पर आएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डेफिनेशन बताई है कॉम्पैक्ट सबसेट की, तो वो ये है।
ठीक है। अगर आपको क्या है और भी, मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर बता दें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके के और भी टॉपिक चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और क्या है, बेल आइकन को ऑल पर कर लें, जिससे क्या है आज जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस की, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारी थ्योरम है उन पर वीडियो आने वाली है, तो हम क्या है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप क्या करें, वीडियो को वॉच करें।